बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ये जैमस्टैक क्या होता है आज की तारीख में। जैमस्टैक 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 सब लोग बोले जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि जैमस्टैक क्या होता है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ कि जैमस्टैक क्या होता है। जैमस्टैक में जे फॉर होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और जैमस्टैक में ए फॉर होता है APIs और एम फॉर होता है मार्कअप। जब आप लोग अपने कोड को स्प्लिट कर लेते हो जावास्क्रिप्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और मार्कअप में, इन तीन चीज़ों में स्प्लिट कर लेते हो कि यार जावास्क्रिप्ट लॉजिक को हैंडल करेगा, जो APIs हैं वो सर्वर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगी, और उसके बाद जो मार्कअप है वो आपका रॉ HTML जो कि ब्राउजर पार्स करता है वो काम करेगा। अब जैमस्टैक को क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है, क्या रीज़न है कि जैमस्टैक को लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? जैमस्टैक को इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है जो लोड होता है, जो कि शायद सर्वर पहले हैंडल किया करता था, वो हम चाहते हैं कि क्लाइंट अब हैंडल करे। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूट जो है क्लाइंट की खर्च हो, क्योंकि सर्वर एक है और क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेट से आप लोग एक सर्विस है आपके पास कि आप लोग एक JPG को PDF में कन्वर्ट करवाते हैं। अब आपके पास दो रीज़न है, चाहे आप लोग ये चीज़ फ्रंट एंड पर करवाएं या फिर आप ये चीज़ जो है बैक एंड में करवाएं। अगर आप ये चीज़ बैक एंड में करवाएंगे तो सारा का सारा लोड, सारा का सारा कंप्यूटेशन आपके बैक एंड सर्वर पर आएगा, सारा लोड आपका बैक एंड सर्वर जो है हैंडल करेगा। लेकिन अगर आप लोग पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन क्लाइंट साइड पर करवा लो, यानी कि आप एक जावास्क्रिप्ट कोड भेज दो जो कि क्लाइंट अपने ब्राउजर पर एग्जीक्यूट करेगा, तब होगा क्या कि आपके सर्वर की कंप्यूट पावर बचेगी। तो शायद अगर आपके सर्वर को 8GB रैम में काम करना पड़ता, आप वो 4GB रैम में भी कर सकता है। आपके पैसे बचेंगे, आपकी कंप्यूट पावर बचेगी और टाइम भी बचेगा। ये जो जैमस्टैक वर्ड है ना, ये नेटलिफाई के कोफाउंडर ने कॉइन किया था। जैमस्टैक आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। बहुत सारे लोग आजकल इंटरव्यू लेने से पहले पूछते हैं कि क्या आप जैमस्टैक से फैमिलियर हैं, और वहाँ अगर आपने कह दिया ना कि जैमस्टैक क्या होता है, सीरियसली ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है इंटरव्यूअर के लिए। तो जैमस्टैक क्या होता है ये आना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक इन द डेज जब इंटरनेट को बनाया गया था, तब ब्राउज़र का काम था सिर्फ HTML को पार्स करना। ब्राउज़र कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं करता था, ब्राउज़र थोड़ा सा भी CPU जो है लॉजिकल कोड को एग्जीक्यूट करने में खर्च नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनने लगी, और जावास्क्रिप्ट को भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना पड़ा। मैं कह रहा हूँ होना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटेशन ऑन द ब्राउज़र जो था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा था। सो ऐसा करते 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 आज की तारीख में हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पे जानते हैं जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर इस्तेमाल की जा सकती है। ब्राउज़र और HTML को कभी भी ये सोच के नहीं बनाया गया था कि यार एक तीसरी लैंग्वेज होगी जावास्क्रिप्ट HTML CSS के अलावा जो कि लॉजिक एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये सब होना पड़ा। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया जैमस्टैक क्या होता है, जैमस्टैक क्यों यूज़ करते हैं, जैमस्टैक का मतलब जावास्क्रिप्ट APIs और मार्कअप क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोड क्लाइंट साइड पर पुश करने के लिए, ताकि सर्वर को कम से कम कंप्यूट पावर लगानी पड़े। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।